फिर से मैंने नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं एसएसए के अलॉटमेंट से संबंधित सूचना। नियोजित शिक्षकों के मार्च 2022 के वेतन एवं एरियर के भुगतान के लिए उप सचिव शिक्षा विभाग के अरशद फिरोज ने 6,23,43,08,667 रुपये की राशि जिले को आवंटित कर चुके हैं। किस जिला का आवंटन हो चुका है और किस किस जिला का बाकी है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन से दबा दे, नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। बिहार के नियोजित शिक्षकों के मार्च 2022 के वेतन भुगतान हेतु केंद्रांश की राशि 9,40,29,22,000 के विरुद्ध राज्यांश के रूप में 6,23,43,08,667 रुपये की व्यय करने की स्वीकृति वित्त विभाग को दे दी गई है। इस संबंध में सरकार के उप सचिव अरशद फिरोज ने पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि इस राशि से बिहार के नियोजित शिक्षकों के माह मार्च 2022 का वेतन एवं बकाया एरियर का भुगतान जल्द से जल्द करके अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को समर्पित करे। बिहार के नियोजित शिक्षकों को मार्च माह का वेतन भुगतान अब बहुत जल्द हो जाएगा, साथ ही सभी प्रकार के बकाया वेतन भी भुगतान होने की प्रबल संभावना है। अब देखना होगा कि बिहार सरकार का आदेश कितना शिक्षा विभाग के अधिकारी मानते हैं और नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान एवं एरियर का भुगतान कब तक कराते हैं। तो आइए देख लेते हैं पत्र में कि आखिर किस किस जिला को आवंटन भेज दिया गया है और किस जिला का आवंटन अभी तक नहीं गया है। सरकार के द्वारा दिनांक 1/4/2021 के पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के शिक्षकों के वेतन में 15% वृद्धि संबंधी निर्णय के आलोक में विभागीय द्वारा NIC के सहयोग से ऑनलाइन कैलकुलेटर तैयार कर वेतन निर्धारण कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के डिजिटल सिग्नेचर से वेतन पर्ची निर्गत करने का निर्देश दिया गया है। पोर्टल पर विभिन्न जिलों के निर्गत वेतन पर्ची की समीक्षा पाया गया है। बक्सर, खगड़िया, सहरसा, दरभंगा, गया एवं सारण, वैशाली जिले की स्थिति असंतोषजनक है। सभी जिले को 100% वेतन पर्ची डिजिटल सिग्नेचर कर निर्गत करने एवं बकाया वेतन भुगतान दिनांक 31/3/2022 तक करने का निर्देश दिया गया है। पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान के शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में पटना, बक्सर, भभुआ, जहानाबाद, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, समस्तीपुर, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, बांका, खगड़िया, बेगूसराय, गया, शिवहर, भोजपुर, दरभंगा एवं गोपालगंज जिला के राशि आवंटन कर दी गई है। शेष जिलों को यदि अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता हो तो यथाशीघ्र अधियाचना भेजने का निर्देश दिया गया है कि अधियाचना जल्द से जल्द भेजा जाए ताकि वहां पर राशि उपलब्ध कराया जा सके, ताकि शिक्षकों का ससमय वेतन भुगतान हो सके। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक और करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।